नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल उर्दू 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। दावत के दौरान रसगुल्लों को लेकर विवाद, दो पक्ष आपस में भिड़े, एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या, तीन लोग घायल। बड़ी खबर मैनपुरी से। साड़ू की पुत्री की शादी समारोह में शामिल होने आए एक रिश्तेदार को रसगुल्लों से भरी बाल्टी में शराबी युवक को हाथ डालने से मना करना इतना महंगा पड़ गया कि दबंगों ने उसकी पीट पीट कर मौके पर ही निर्मम हत्या कर दी। रिश्तेदार को पीटते देख मौके पर पहुंचे अन्य तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ से उन्हें सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र गाँव बीकापुर का है। पड़ोस के गांव हरियाणा के रहने वाले 55 वर्षीय रणवीर पुत्र लाल सहाय अपने साड़ू की बेटी आरजू की शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। गांव बीकापुर में बराती खाना खा रहे थे, उसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने रसगुल्ले से भरी बाल्टी में हाथ डाल दिया, जिसको लेकर के रणवीर ने विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। मारपीट के दौरान उनको बचाने पहुंचे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जख्मी हुए हैं, जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें सैफई के ट्रॉमा हॉस्पिटल में उपचार के लिए रेफर किया गया है, जिसके बाद शादी के घर में मातम पसर गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस ने घटना स्थल से पूछताछ होने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। खास रिपोर्ट आमिर अली के साथ। मैं आपका सर, कल क्या हुआ यहाँ पर, कुछ विवाद हो गया सुनने में आया? कुछ ना है मेरी भैया रसगुल्ले लगे पीछे, मेरे जीजा मार डारेगा वाला है, और मेरे भैया की चांद फोड़ गई है, जो बचने को फोन करो जो ना है वो। किसने मारा है, किसने? रजित ने, अजय ने, दो लड़कन को तो देख लिया है हमारे लड़के ने। लगभग कितने लोग थे बताए? वैसे तीन चार लोग बताए, पर दो लड़कों को तो देख लिया है हमारे लड़कों ने, और हमारे लड़कों के बाएं पैर अंडा मार दिया, तो उसकी बाएं सूजी है। तहरीर दी थाने में आपने? पुलिस आई थी यहीं पर, यहाँ थाने में नहीं गए थे हम लोग। फिर पुलिस बाहर आए, उन्हीं ने लड़की की शादी करवाई थी। गाँव अच्छा, ये बीकापुर में एक घटना घटी है जिसमें पीट पीट कर हत्या का मामला संज्ञान में आया, क्या पूरा मामला? रोकते रहे इन्हें, झगड़ा करके किसी ने ईट मारी, किसी ने मचवा मारा, मर गए, लेकिन भाग गए, हम देख रहे ठाड़े ठाड़े। कल क्या फंक्शन था और किसकी मौत हुई है? ये शादी अति बाम हम लोग आई थी। किसकी मृत्यु किसकी हुई है? लड़की का कौन था? लड़की के मामा थे। नाम क्या था उनका? नाम हमको पता नहीं। अच्छा, क्या वारदात क्या हुई थी, क्या मामला था पूरा? जिनके वही खाए पी भाई बता दे, बाल्टी ले ले भाजत थे मीठे निपटाना तो भरा, इतने खवाए रहे भी लोग गांव कहते भी ले ले भाई, जिनने कही मत ले जाओ, जिनने मारपीट कर गए मारी जा रही, और घायल भी हैं कुछ लोग, घायल भी हैं। अच्छा, ये आप बीकापुर के रहने वाले हैं, तो इसमें कल एक घटना घटी है, आपकी बिटिया की शादी थी सुनने में आ रहा है, तो क्या पूरा मामला था, कैसे क्या हुआ? साहब, हम तो इधर दरवाजों के सामान लगा रहे थे, तो हमारे रिश्तेदार आ गए थे और क्या ना गांव के लड़के खवा रहे थे, तो हमारे रिश्तेदार बोल रहे थे मीठा फेंक क्यों रहे हो, रसगुल्ला खा लो, छेना का सब आप फेंक रहे हो, उसकी आप हाथ क्यों बिगाड़ रहे हो? फिर क्या हुआ? इतना गांव वाले ने मारपीट कर दी। कौन था गांव वाला? मुकदमा दर्ज हो गया, बिटिया की शादी संपन्न हो गई कि नहीं? मृत्यु हुई है सुनने में आया, कौन थे वो? वो हमारे सरभाई थे साहब। क्या नाम था उनका? रणवीर। कहाँ के निवासी थे वो? हरियाणा, नगला हरियाणा, थाना कुरावली। थाना कुरावली। और कुछ घायल भी हुए हैं? हाँ, कुछ घायल भी हुए। कौन कौन घायल हुआ है? हमारा साला घायल हुआ है, और आए दो लोग। कुरावली के अंतर्गत एक हत्या हुई है, किस वजह से ये हत्या हुई है और क्या पूरा प्रकरण अब तक उसमें क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है? बीती रात थाना कुरावली क्षेत्र के गांव बीकापुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसमें जो मामला सामने आया है कि एक शादी थी, और शादी के दौरान एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपने मौसी के यहाँ गया था, तो वहाँ पे शादी के बाद गांव का एक व्यक्ति कुछ सामान लेके जा रहा था वहाँ से, तो उसने उसको टोका, क्यों चोरी कर रहे हो? उसी बात पे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, लाठी डंडे चले, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।
और ये आपराधिक मानववध का मामला पाया गया है। इसमें तत्काल अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें जो आरोपी थे 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 1 फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है सर रसगुल्ला खाने को लेकर विवाद। हाँ, यही चीज़, वो एक व्यक्ति गांव का जो रसगुल्ले की बाल्टी थी अपना कहीं लेके जा रहा था, उसी पर उसने टोका है कि तुम कहाँ ले जा रहे हो। इसी पर उनमें वाद विवाद हुआ है, उनमें झगड़ा हुआ है और आपस में उनमें मारपीट हुई है, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करके जो आरोपी थे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आप भी हैं चर्म रोग से परेशान तो अब तुरंत मिलेगा इस परेशानी से छुटकारा। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में चर्म रोग विशेषज्ञ दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, खुंसी, मुहासे, गंजापन, सफेद दाग, चेहरे पर काले धब्बे एवं मधुमेह, बुखार, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम के SN हॉस्पिटल के पूर्व MBBS प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रोहिताश कुमार फैमिली फिजिशियन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक देंगे सेवाएं। हमारा पता सुभाष तिराहा बस स्टैंड के पास मनोज मेडिकल के बराबर में फिरोजाबाद।